बीजेपी के दिग्गज नेता और देश के वित्त मंत्री रह चुके अरुण जेटली आज हमारे बीच नहीं है। लंबी बीमारी के बाद 24 अगस्त को दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया था। अटल सरकार से लेकर मोदी सरकार तक सरकार और संगठन में कई अहम पद संभाल चुके अरुण जेटली पीएम मोदी के साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार के भी बेहद अच्छे दोस्त थे। ये सभी जानते हैं कि बिहार में अगर एनडीए सरकार है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जेटली की ही रणनीति थी जिन्होंने बिहार में नीतीश सरकार बनवाई। यही वजह है कि जेटली के निधन के बाद शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि बिहार में वो अरुण जेटली की आदमकद मूर्ति लगवाएंगे। दरअसल शनिवार को एनडीए की ओर से पटना में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने विपरीत परिस्थिति में हालात को संभालने में अरुण जेटली की तुलना प्रख्यात समाजवादी मधु दंडवते से की। बिहार के सीएम ने कहा कि भले ही वो बिहार के रहने वाले नहीं थे लेकिन बिहारियों के प्रति उनका प्रेम और सद्भाव कुछ अधिक था। विरोधियों से भी जो संवाद करने की कला अरुण जेटली में थी उसके अलावा खुलकर बातें करना और तबीयत खराब रहने के बावजूद उनकी याददाश्त पर न कोई असर दिखा और न वो परेशान दिखे। नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार के गठन का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साथ उनका एक विशेष संबंध रहा है, खासकर जब बिहार के भाजपा के प्रभारी बने और विधानसभा के दो चुनाव हुए उसमें उनकी भूमिका कोई नहीं भुला सकता। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में अरुण जेटली की बड़ी सी प्रतिमा लगाने का भी ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 28 दिसंबर यानी अरुण जेटली के जन्म दिवस को सरकार राजकीय समारोह की तरह मनाएगी। अरुण जेटली से नीतीश कुमार के व्यक्तिगत संबंध भी थे। उनके निधन पर जारी किए गए शोक संदेश में उन्होंने कहा था कि अरुण जेटली ने उच्च राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों की बदौलत सार्वजनिक जीवन में उच्च शिखर को प्राप्त किया। उन्होंने अपने व्यक्तित्व की बदौलत राजनीतिक सीमाओं के परे सभी विचारधारा के राजनीतिक दलों का आदर एवं सम्मान प्राप्त किया। अरुण जेटली जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध था, उनके निधन से मैं काफी मर्माहत हूँ। नीतीश कुमार ने अरुण जेटली के निधन पर दो दिनों के राजकीय शोक का भी ऐलान किया।